में पूरा दिन काम करने के बाद अभी हम निकले दादर स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमारी गाड़ी है हुगली एक्सप्रेस, जो कि 8:15 की गाड़ी है। तो अभी हम फिलहाल लाइट लाइट कुछ खा के निकलने वाले हैं दादर स्टेशन की तरफ, ट्रेन पकड़ निकले। तो चलिए बहुत लेट हो चुका है, इसके लिए हम बहुत एक्चुअली स्पीड से भाग रहे हैं, पता नहीं ट्रेन मिल पाएगी क्या नहीं। मुझे तो ऐसा धक-धक हो रहा है, फिर भी हम लोग और स्पीड बढ़ाते हैं और ट्रेन कैच पकड़ने का कोशिश करते हैं। चलो फिर मिलते हैं। अमरावती सुपरफास्ट ले रही है हमारी गाड़ी। फाइनली हम लोग गाड़ी निकलने के पहले पहुंच गए यहाँ पे, तो बस अभी फटाफट से हमारा बोगी ढूंढते हैं, हमारा डब्बा ढूंढते हैं, हमारी सीट ढूंढते हैं और बैठ जाते कंफर्टेबली। ये है और ऑलरेडी खा के तो निकले, पर फिर भी रास्ते के लिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए ले लेते, पता नहीं रास्ते में कब भूख लग जाए। ये हमारी गाड़ी ने छोड़ दिया दादा, चल पड़ी है अपने रास्ते बेलगम की तरफ। तो एक्चुअली हमारी गाड़ी निकल चुकी है कर्नाटका की तरफ, मीन्स जाना है एक्चुअली में बेलगम। तो यहाँ से करीबन 11-12 घंटे का ट्रैवल है हमारा। तो जस्ट अभी 2 दिन पहले मैं हैदराबाद से आया था, आज फिर से मुझे एक लंबी ट्रैवल की जर्नी पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी एक ऑफिशियल विजिट है। घंटे के आसपास हमारी ट्रेन पहुंची है ठाणे स्टेशन, यहाँ पे केवल 5 से 8 मिनट तक की गाड़ी रुकती है। ये लोग गाड़ी भी हिल चुकी है, आप देख सकते हैं ट्रेन थोड़ी सी हिल गई। ये ठाणे स्टेशन छोड़ रही है हमारी गाड़ी और बढ़ रही है आगे के सफर की तरफ। के बाद हम लोग पहुंचे हैं पनवेल स्टेशन। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी पनवेल से होते हुए जाती है आगे की तरफ, ये गाड़ी कल्याण से होते हुए बिल्कुल भी नहीं जाती। फर्स्ट स्टेशन था हमारा ठाणे और ये हमारा सेकंड स्टेशन है पनवेल। इसके बाद आने वाला है करसर। 10 मिनट तक गाड़ी यहाँ पे रुकती है, तो 10 मिनट में आपको जो भी चाहिए, ब्रेकफास्ट लेना है या पानी का बॉटल लेना है, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये छोड़ा है हमारे गाड़ी में स्टेशन, पनवेल स्टेशन छोड़ा है हमारी गाड़ी ने, चल पड़ी है हमारे आगे के सफर की तरफ। फाइनली 2 घंटे के बाद हम पहुँचे करजर स्टेशन। तो यहाँ पे ट्रेन अच्छा खासा वक्त लेगी रुकने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है इसके बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है खंडाला और लोनावला तक। तो इसके लिए यहाँ पे मिनिमम 2 से 3 इंजन यहाँ पे एड ऑन होने वाले, ताकि ट्रेन को वो इजीली पुल कर सके लोनावला और खंडाला की तरफ। तो यहाँ पे ट्रेन अच्छा खासा वक्त रुकती है, कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। तब तक के लिए अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान लेना हो तो आप ले सकते हैं, काफ़ी सारा वक्त आपको मिलता है यहाँ पे। तो बागा आपने देखा है कि एक नहीं बल्कि 2 इंजन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आगे के सफ़र में काफ़ी अप्स एंड डाउन होते हैं, जो कि खंडाला और लोनावला की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी अप्स एंड डाउन होने की वजह से एक नहीं बल्कि 2-2 इंजन यहाँ पे ट्रेन को पुल करने के लिए एड ऑन करने पड़ते हैं। ये हमारे 2 इंजन फाइनली लग चुके हैं ट्रेन को, हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है आगे की सफर यानी लोनावला और पुणे की तरफ। पूरे 4 घंटे की जर्नी के बाद अभी हम पहुँचे पूना स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा जंक्शन होने की वजह से
यहाँ पे काफ़ी देर गाड़ी रुकती है, तो आपको यहाँ पे बिंदास उतर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकती है। अभी तो 12:30 के करीब हो रहे हैं, टाइमिंग चलते हैं सोने के लिए, और मिलते हैं आपको अगली सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। हे बागाओ, गुड मॉर्निंग आपका। तो फाइनली हम लोग घटप्रभा पहुँचे हैं। इसके बाद में बस हमारा अगला स्टेशन ही हमारा स्टेशन है, मीन्स फाइनल डेस्टिनेशन हमारा है बेलगावी। I'm gonna get caught in